मिस्टर कमल सिंह सरोहा सर। कमल सिंह सर इज द ओनर एंड द सीईओ ऑफ राजस्थान यूनाइटेड एफसी। आप तो जानते ही होंगे, आई लीग में आज बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आई लीग क्वालिफायर्स में दे बीट दिल्ली एफसी टू रीच द आई लीग। एंड दिस इज अ क्लब स्टार्टेड इन 2018 गाइस, 2018 में स्टार्ट हुआ क्लब, अभी आई लीग में कम्पीट कर रहे हैं। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू नो कैसा रहा है ये सफर 3 सालों का। It's like a roller coaster ride because first we started in 2018 when I just passed out from my engineering. तब मेरा like 2018 में मैंने क्लब भी खोला और मेरा प्लेसमेंट भी हो गया in the same year. So I got a job in, I think first I got a job in Gurgaon, then I shifted to Banaras. It's a almost totally remote area. So for I worked there for 6 months I think. So 6 months मैंने work किया as a civil engineer, but वहाँ पे no football, nothing, social life, so it's like a zero for me. Boring जगह. Yeah, totally boring. So फिर then क्या कहते club यहाँ पे चल रहा था जब like practice नहीं होता था, open tournaments में हम खेलने जाते थे, but then मैं again मैं I'm back to Jaipur. देन हमने क्लब स्टार्ट किया लाइक फिर तभी स्टेट लीग होने वाला था राजस्थान में फर्स्ट स्टेट लीग एट दैट टाइम एयू राजस्थान इज द क्लब हु इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द आई लीग सेकंड डिवीजन आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द आई लीग सेकंड डिवीजन सो एट दैट टाइम सो हमने भी राजस्थान स्टेट लीग में पार्टिसिपेट किया फर्स्ट फर्स्ट एडिशन के अंदर एंड वी बिकम चैंपियंस इन दैट एडिशन एंड इट्स लाइक इन द फर्स्ट सीजन All the players are like some is PTI, some is there is one guy who is cobbler. Wow. So some are coming from that background. So it's like that. Ki some like they are playing in the same tournament and in the night they are going for another tournament. 500 रुपए मिल जाएगा 1000 रुपए मिल जाएगा तो शाम को वहां पे खेलते मतलब दे आर प्लेइंग 2-3 मैचेस इन द सेम डे सो प्रॉपर मूवी जैसा टूर्नामेंट प्रॉपर मूवी जैसा आपने बिल्ड किया था वाओ वाओ दैट्स ऑसम हां या इट्स लाइक दैट बट आपको पहले वो आईडिया कहां से आया मतलब चालू करने का व्हेन डिड यू गेट द फर्स्ट आईडिया कि लेट्स स्टार्ट अ क्लब क्योंकि दैट्स अ प्रीटी एडवेंचरस थिंग क्लब 2014 से चल रहा था बिकॉज़ जब मैंने एडमिशन लिया कॉलेज के अंदर तो तब से क्लब चल रहा था Previously, we named it as a engineers FC. जो भी आजू बाजू के इंजीनियर्स हैं मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं तो जो वहाँ के टॉप क्वालिटी है तो हम सब साथ में खेलते थे देन सब कॉलेज में आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ये होता है कि बच्चे आते हैं और जाते हैं तो फिर JCRC के नाम से टीम उतारने लग गए तो बट ऐसा कोई रजिस्टर्ड नहीं था बट 2018 में हमने रजिस्टर्ड किया उसको और लाइक नॉट एज अ कंपनी बट एज अ क्लब इन द स्टेट एसोसिएशन एज अ JCRC जब फर्स्ट स्टेट लीग हुआ तो उसके बाद से चालू हो गया पूरा ओके और आपका होम स्टेडियम कौन सा है आई'd लाइक टू नो मुझे क्लब के बैकग्राउंड के बारे में और जानना है कि अभी आप कहां बिल्ड अप करोगे होम स्टेडियम कौन सा है वो सब अभी एक्चुअली क्या कहते हैं यहां पे मैचेस ही नहीं हुए पहली बात तो राजस्थान में हमारा कोई भी आज तक मतलब ये बड़ी बेकार बात है मतलब राजस्थान के फैंस के लिए भी कि अभी यहां तक कोई मैच नहीं हो पाया है अभी तक ओ बट या मतलब स्टेट मैचेस हुए हैं वो भी ऑन सिंगल वेन्यू आई थिंक जब से चालू किया तब से कोविड सिचुएशन चल रहा है हां वो तो है हां तो दोनों स्टेट लीग हमेशा सिंगल वेन्यू पे हुआ है तो बट हमारा क्या कहते हैं बात चल रहा है ऑलरेडी ना गवर्नमेंट के साथ तो यहां पे अगर आई लीग होता है तो डेफिनेटली उम्मीद स्टेडियम है जोधपुर के अंदर उस पे होगा बाकी अभी हमारा जो रेजिडेंशियल अकेडमी है वो जयपुर राजस्थान पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में संतोष ट्रॉफी तक होस्ट होती है एंड अंडर 18 अंडर 13 अंडर 15 आई लीग भी वहां पे होस्ट हो सकता है तो बेसिकली वही अभी हमारा होम ग्राउंड रहेगा ओ वाह और मतलब आपने जो क्लब शुरू किया सो वो प्रोसेस तो काफी मतलब हटके होगा बिकॉज इट्स नॉट समथिंग इट्स नॉट एन एवरीडे एक्सपीरियंस हर कोई ऐसा रोज क्लब नहीं खोलता बहुत बहुत यूनिक चीज है सो आपने जब भी क्लब को बिल्ड किया तो आपने एक तो क्या गलतियां सीखी और गलतियों से क्या क्या सीखा और दूसरा तो क्या एक्सपीरियंस कैसा था आपका जब हम जीते कोई आइडिया नहीं था कि क्या होता
मतलब इतना सीरियस नोट पे नहीं था कि हमें अभी खेलना है और ये सब खेलना है, बस एज अ फन की लाइक ठीक है टीम उतारना है, और पैशनेट थे फुटबॉल के लिए, नॉट सीरियस इन टू द रियल बिजनेस. सो देन क्या कहते हैं सेकंड लाइक उसके बाद कोविड सिचुएशन आ गया, देन मेरा एक फ्रेंड है हु इज आल्सो द पार्टनर इन द क्लब, सो ही मेट मी इज स्टडिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम, ही कॉल्ड मी यार क्या चल रहा है, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है यार इसको फुटबॉल को अपन आगे लेके जाते हैं स्टेट के अंदर बिकॉज अपने स्टेट में कुछ हो भी नहीं रहा है, तो उसने कहा ठीक है यार, बिकॉज वो भी दिल्ली में ही पढ़ा था और वो भी फुटबॉल के लिए दिल्ली गया था बेसिकली. सो आप बोले कि योर फ्रेंड वाज इन दिल्ली और फिर या वो दिल्ली में था तो वो भी फुटबॉल के लिए बेसिकली, वो भी फुटबॉल पैशनेट था एंड ही तो देवा आल्सो प्लेड उदयवा इन सेकंड देखते। डिवीजन आई लीग. अच्छा हाँ तो वो भी दिल्ली थे, तो उन्होंने कहा यार ठीक है अपन कुछ करते हैं यार, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी फुटबॉल इतना ग्रो नहीं हो रहा है, और मतलब एयू राजस्थान भी था तो वो आया एंड वो भी शट डाउन हो गया बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रन इन अ प्रॉपर मैनर वट एवर. तो रजत ने कहा ठीक है यार अपन मिलते हैं अपन स्टार्ट करते हैं इसको, देन क्या कहते हैं तब कोविड लॉकडाउन ही चल रहा था, फिर हमने कहा इसको यार रीब्रांड करते हैं बिकॉज जेसीआरसी का भी पूरा एक जो था वो छूट चुका था मतलब कनेक्शन आफ्टर द लॉकडाउन. हम जेसीआरसी के डायरेक्टर के पास भी गए, हमने कहा सर थोड़ा सपोर्ट चाहिए, बट उन्होंने कहा नहीं वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ मनी थिंग लाइक दैट, वो फुटबॉल तो में फिर तो हमने कहा मुश्किल ठीक ही है हम इसको रीब्रांड करते हैं. बड़ी होता। हाँ, तो फिर हमने उसको रीब्रांड किया एज अ राजस्थान यूनाइटेड इन 2020 या लॉकडाउन के अंदर ही. तो फिर हमने चीजें स्टार्ट करी, फिर हमने क्या कहते हैं ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराया अपना जूनियर टीम के लिए, फिर हमने कहा ठीक है यार रेजिडेंशियल ओपन करते हैं एंड जो भी टैलेंट है वो लेके आते हैं आपका इस ईयर. रेजिडेंशियल भी खुल गया है बहुत अभी? हार्ड था वाह, ये कभी खुला? मतलब लास्ट ईयर ही था क्या? ये नो, ये सेकंड डिवीजन से पहले खुल चुका था अच्छा, ओ वाह वाह वाह, सही है सही है। तो मतलब हमने हाँ सोचा नहीं था कि हम यहाँ तक होंगे, बट क्या कहते वही हैं उससे पहले हमने रेजिडेंशियल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी कि लाइक ठीक है हमें क्या कहते हैं क्योंकि तो, बच्चे को डेवलप करना है तो आपको रेजिडेंशियल बहुत जरूरी है, शुरुआत से ही चालू करना जब तक बच्चा होगा। उस प्रॉपर इन्वायरमेंट या प्रॉपर इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो डेवलप नहीं हो पाएगा. सो बेसिकली आइडिया वही था, तो हमने उस पर वर्क किया और स्टेट लीग में पार्टिसिपेट करने का था कि सेकेंड डिविजन वी हैव टू प्ले. देन क्या कहते हैं हमने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराया अपने क्या कहते हैं स्टेट लीग के लिए, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और जो भी अच्छे प्लेयर्स थे लाइक जो हमारे साथ जेसीआरसी में भी थे वो प्लेयरों को हमने रिटेन किया और उनके साथ लीग के अंदर पार्टिसिपेट किया, और लीग में हम रनर अप रहे, बेसिकली विनर्स ही थे बट स्टेट एसोसिएशन ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए इन द एंड ऑफ मोमेंट, लाइक अच्छा वी हैव ऑल्सो द सेम पॉइंट्स 18 एंड जिंक अकेडमी हैज ऑल्सो द सेम पॉइंट्स, बट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन इट इज मेंशन दैट व्हेन द पॉइंट्स आर सेम इक्वल सो द विनर्स विल बी गेट डिसाइडेड बाय हेड टू हेड, बट एट हाँ, दैट टाइम इफ दे चेंज अकॉर्डिंग टू द गोल डिफरेंस. ओ जस्ट गलत टाइम पे। हाँ, सो बट स्टिल वी गेट नॉमिनेटेड फॉर द फॉर द सेकंड आई लीग डिवीजन, सेकेंड डिवीजन. फिर वो जीते आप। अच्छा, तो या सेकेंड डिवीजन, इवन सेकेंड डिवीजन के लिए नॉमिनेट हुए एंड ओनली वन टीम इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंट द होल स्टेट, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड जिंक अकेडमी है वो थोड़ा मनी वाइज वेरी पावरफुल दे आर, सो वी फाइट बट इन द इवेंचुअली इन द एंड दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द ऑल डॉक्यूमेंटेशन. अच्छा ओ, सो यू वर सो सिलेक्टेड। तो फिर आई वी लीग गॉट सेकंड डिवीजन हुआ, नॉमिनेटेड फ्रॉम द स्टेट. फिर आई लीग सेकंड डिवीजन या हुआ। आई लीग सेकेंड डिवीजन इज लाइक आई लीग सेकेंड डिवीजन हुआ, और मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगा कि जो हमारा फर्स्ट मैच था जिसमें हम 9 प्लेयर्स से खेले थे उसका मैं पूरा आपको स्टोरी भी सुनाना चाहूंगा, क्या है बताइए प्लीज। बिकॉज लाइक वी आर नॉमिनेटेड ऑन द 30th of अगस्त. ओके 30th of अगस्त को नॉमिनेशन हुआ, 31st अगस्त इज द लास्ट डेट फॉर साइनिंग अ प्रोफेशनल प्लेयर, ठीक है, एंड इट इज मैंडेटरी इन द सेकेंड डिविजन यू हैव टू रजिस्टर 15 प्रोफेशनल प्लेयर्स एटलीस्ट, ओ अच्छा, इवन यू कैन हाँ रजिस्टर 25 बट एटलीस्ट यू हैव टू रजिस्टर 15 प्लेयर एज अ प्रोफेशनल प्लेयर्स. तो अब एक दिन में आप कैसे प्लेयर साइन कर सकते हो, हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स को हमें सेलेक्ट करना है, नो ट्रायल्स एनीथिंग, बजट का बहुत इशू था, हमने कहा आप साइन किसको करें, ठीक है वहीं पे क्या कहते हैं जो राजस्थान के लोकल्स लड़के थे पहले तो उन्हीं को एज अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया जो हमारे साथ थे, फिर उसके बाद हमने ट्रायल्स ऑर्गेनाइज किए,
15 प्लेयर कैसे ना कैसे कर लिए, मतलब दो चार प्लेयर, अमन थापा हु इज स्टिल विद अस, गुरमुख हु इज स्टिल विद अस, वो भी हमने ऑलरेडी उनको उस टाइम साइन कर लिया बाय कॉन्टेक्ट, लाइक कि ये प्लेयर अच्छा है कैसा है, गो थ्रू करके. देन हम क्या कहते हैं, हमने कैंप वैम्प लगाया, हमारे कोच थे विक्रांत शर्मा, तो उन्होंने कहा कि यार गोवा में कैंप लगाते हैं, बिकॉज उनका भी छुट्टी का पंगा था. अच्छा हाँ, तो उन्होंने कहा यार गोवा आ जाओ, मेरी छुट्टी भी सेंशन नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा छुट्टी का भी, बिकॉज आई लीग सेकंड डिवीजन के टाइम मेरे को छुट्टी चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैंप लगाते हैं. हमने कहा वहाँ पे तो बजट बहुत ज्यादा होगा. उन्होंने कहा यार यही बेस्ट ऑप्शन है, एंड वी गॉट टू प्ले सम प्रैक्टिस मैचेस ऑल्सो हेयर विद गुड टीम्स. सो हमने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, कैसे करेंगे कहीं से. देन क्या कहते हैं, वी गैदर सम मनी लाइक फ्रॉम सम स्पॉन्सर्स एंड सम फ्रॉम आर पॉकेट, देन वी ऑर्गेनाइज अ प्री सीजन इन द गोवा. देन गोवा में प्री सीजन हुआ, अच्छा हुआ प्री सीजन काफी, वहां पे इवन गोवा में भी ट्रायल चल रहा था, प्लेयर्स आ रहे थे वहां पे, हम उनका ट्रेन का पैसा दे रहे थे कि ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास कि हम प्लेयर्स को सेलेक्ट कर पाते, और बिना देखे आप प्लेयर्स को कभी जज नहीं कर सकते. ठीक है, वहां पे भी हमारा चला, पूरा टीम सेटल डाउन हुआ. देन हम बैंगलोर गए, बस तब तक ये था कि यार टीम की इज्जत बच जानी चाहिए, कि मतलब हमको हार के नहीं आना बुरी तरह, बिकॉज राजस्थान में काफी लोग, इवन मेनी पीपल्स आर इन आर स्टेट, दे वॉन्ट दैट हम हारे बुरी तरह हारे, वो ये चाहते थे, बिकॉज हम काफी लड़के आए थे स्टेट एसोसिएशन से, काफी लोगों से. और आप इतना स्टीप क्लाइम मारोगे तो अचानक लोगों को थोड़ा, लोग भी हिल जाएंगे ना अचानक, कौन बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो कोई नहीं, क्या कहते हैं, पहला मैच हम जीत गए. सो बेसिकली पहले आप सेकंड आई लीग सेकंड खेले, ठीक है, और फिर आप क्वालिफायर्स खेले, आर दे द सेम थिंग कि नहीं? अलग अलग है, आई लीग क्वालिफायर्स एंड सेकंड डिवीजन इज द सेम थिंग. ओके हाँ, फिर आप रिंती के सामने खेले, दिल्ली के सामने खेले, मदन महाराज वो सब के सामने खेले. रिंती रिंती फर्स्ट मैच था, तो इन फर्स्ट हाफ वी स्कोर 3 गोल्स. हाँ, एंड हमें लगा यार ये कैसे हो गया, 3 गोल कैसे मार दिए. सेकंड हाफ हमने 2 गोल कंसीड भी कर लिए. इन द एंड वी वॉन दैट मैच बाय 3-2. सबने कहा कि यार तुक्का है कि गोल मार दिया, कोई बात नहीं. नेक्स्ट मैच वी आर विद बेंगलुरु एफसी, सॉरी बेंगलुरु यूनाइटेड, यूनाइटेड हाँ, एंड दे आर द टॉप टॉप कंटेंडर, बिकॉज दे हैव पेड्रो मांजी हु इज स्टिल इन आवर टीम राइट नाउ, एंड लुका माचिन, एंड मेनी मेनी फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स, संजू प्रधान इज देयर, किंशुक देवनाथ इज देयर, रावणन इज देयर, so many many big names. In first half we just anyhow we get to manage that half, and we conceded 1 goal in the first half. Second half coach ne kaha yaar khone ke liye kya hai tumhare paas, harogi to kya hoga, khelo mast khelo tum, koi tension nahi hai. Humne equalizer mara second half mein, match 1-1 draw. Theek hai, thoda sa ladkon mein josh aaya ki theek hai, we can still qualify for the final round. मदन महाराज के साथ था, वो भी हमारा ड्रॉ हुआ और हम फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए. देन फर्स्ट मैच अगेंस्ट दिल्ली एफसी. अब ये था कि ठीक है यार फाइनल राउंड पहुंच गए, यही पहली बार बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि राजस्थान से कोई पहली बार टीम आया और वो फाइनल राउंड तक है, इट्स अ मिरेकल इन द फर्स्ट सीजन. दिल्ली एफसी से मैच था, हमने कहा ठीक है खेलना है, बिकॉज दिल्ली एफसी के जो प्लेयर्स थे काफी, मतलब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी थे, मतलब जैसे गुरमुख मिनर्वा के लिए खेला है. तो उनको भी प्रूव करना था अपने आप को, बिकॉज लाइक गुरमुख इज इन द रिजर्व टीम. ओके, मिनर्वा या मेनी मेनी प्लेयर्स लाइक सुखी एंड मेनी प्लेयर्स आर देयर, दिल्ली राम प्लेड फॉर मिनर्वा प्रीवियसली. सो उन्होंने कहा ठीक है यार, हमारे कोई प्रूव करना है, वो होता है हर प्लेयर के अंदर होता है कि वो अपने फॉर्मर क्लब को अगर गुड नोट पे नहीं होता है तो वो उसको कुछ प्रूव करना चाहता है, वो एक होता है ऑटोमेटिकली. उन्होंने कहा ठीक है यार हारेंगे तो सही, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दम लगा के खेलेंगे. तो पूरा दम लगाया, एंड 5 पंजाबीज आर प्लेइंग इन आवर टीम, सो दे आर लाइक डू और डाई. अच्छा हाँ, सो वो मैच हमने 93rd में हमने गोल भी मारा उस मैच में ना, वो मैच हम जीत गए 1-0. फिर सेकंड मैच हमारा मदन महाराज से था, वो हम 2-0 जीते. लास्ट मैच एकदम डू ऑर डाई था, हम यही सोच रहे थे कि ठीक है यार पहुंचेंगे कोई दिक्कत नहीं, बट अभी तक जो हमने खेला वो एक वंडरफुल जर्नी थी. या बट स्टिल बिलीव आ चुका था कि ठीक है नाउ वी हैव वी कैन डू दिस. अभी डेस्टिनेशन दिख रहा था आपको सामने, मतलब हाँ, यू कुड सी द डेस्टिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई लीग वाज सामने. या श्योरली श्योरली भाई, बट आई मीन इट मस्ट बी सच अ ग्लोरियस थिंग ना कि आप
you started so early, or you started just a few years back, and now you're suddenly playing in the I-League, which is like the original Indian National League. So आपको ऐसा क्या grandier experience हुआ क्या? बहुत ऐसा मतलब grand लगा होगा ना I-League तो? It must be really big or great for you. Although lockdown है अभी. नहीं, अभी तक ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ. Because like हमको जब भी कुछ चीज मिलता है, like for me as Rajat as well, हमारा target next होता है कि हमें आगे क्या अचीव करना है. Because we never get satisfied. Because ठीक है हम आ गए हैं, बट हमारे आना ही यहाँ पे मकसद नहीं है. अब चीजें चेंज हो चुकी हैं. अब इंडिया के लिए प्लेयर्स प्रोड्यूस करना मकसद है कि हमारे जो अकेडमी के प्लेयर्स हैं उनको हम कैसे डेवलप करें, जो हमारी टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए हम कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं. बिकॉज मैनी प्लेयर्स आर लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड. सम प्लेयर्स फादर्स आर लाइक फार्मर. सो हाउ कैन वी हेल्प देम वाइल डेवलपिंग देयर गेम एज वेल. बिकॉज हमें उनको चांस देना है लाइक कि वो खेलेगा, अगर वो परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली ही विल ग्रो. अगर वो आगे बढ़ेगा तो क्लब भी आगे बढ़ेगा. सो वो चीजें चेंज हो चुकी हैं कि ठीक है पहले था एक्साइटमेंट था कि आई लीग था, बट अब विजन और ड्रीम्स चेंज हो चुके हैं. सो आपका फिलॉसफी इज डेफिनेटली मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू, आई गेस यू कैन से. या डेफिनेटली. वाओ सर, मतलब रियली इंस्पायरिंग है सर फुटबॉल के थ्रू. और अभी आपने थोड़ा पांच छह मैचेस खेल लिया आई लीग में, आई सॉ. सो अब तक आपको आपका फेवरेट टीम टू फेस कौन सा है? अभी तक तो हमारा 5 मैचेस हुआ है, बट डेफिनेटली अगेंस्ट मोमडन इट विल बी अ गुड कंटेस्ट. गुड क्लैश है अभी नेक्स्ट वही है, बिकॉज दे आर फेवरेट्स एंड द टेबल टॉपर्स. या है, और जायंट को गिराना तो मे बी आई थिंक मजा आएगा. या एंड आई थिंक हम हमेशा से अंडरडॉग्स ही रहना चाहते हैं, हम फेवरेट्स ही बनना चाहते हैं. मैं बारसा फैन हूँ सर, तो मुझे पता नहीं. आई लाइक दैट आइडिया कि यू बी द अंडरडॉग एंड होम ग्रोन प्लेयर्स से आप दूसरों को कॉम्बैट करो. बट ऑल्सो बिल्कुल बिल्कुल, आपने मैंने देखा आपने 3 साइनिंग्स किए. ओमार रामोस किया फ्रॉम हु प्लेड इन लेगानेस, फिर माउरो दो सांचेस जो अर्जेंटीनियन है, और जाकोनोफ किया. एम आई राइट? या सो क्या एज एन ओनर आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट्स द प्रोसेस इन साइनिंग्स? बिकॉज मुझे भी सीखना है कि एक क्लब एक प्लेयर को स्काउट फिर साइन फिर कन्विंस ये सब कैसे करता है. सो हाउ डिड यू? आई थिंक प्लेयर्स बेसिकली एजेंट्स ही हमको सजेस्ट करते हैं, बिकॉज एजेंट्स देयर आर मेनी एजेंट्स इन द मार्केट हू सर्कुलेटेड द प्लेयर्स, बट वी हैव सम सॉफ्टवेयर्स ऑन व्हिच लाइक वी देख सकते हैं कि उनका वो प्रीवियसली मैचेस वो कब खेला है और उसका क्या एक्सपीरियंस है. ठीक है, अगर वो इस एज में है तो क्या फिटनेस टेस्ट है, बिकॉज हम फॉरनर्स को आप यहाँ पे बुला के टेस्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो हमेशा हमारा जो एसएनसी है वो उससे वहीं पे ऑनलाइन जो भी रिक्विजाइट टेस्ट होते हैं वो उससे ऑनलाइन चेक करता है जिस प्लेयर्स के लिए हम एग्री होते हैं. तो बेसिकली ये रहता है. एंड ओमार रामोस ऑल्सो वॉन्ट्स टू प्रूव हिमसेल्फ, ही वॉन्ट्स टू ऑल्सो गो इन द इंडियन सुपर लीग मे बी विद अस नेक्स्ट ईयर. हाँ सर, और अभी मतलब आई हैव हर्ड कि आईएसएल में दिस ईयर फिर भी एक विनर जाएगा, बट अगले सीजन के बाद देयर इज गोइंग टू बी एक्टिव प्रमोशन और फिर जल्दी रेलिगेशन. सो दैट माइट मीन दैट यू हैव ग्रेट. नो नो, आई थिंक क्या कहते हैं, प्रमोशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड टिल 2025 देयर विल बी नो रेलिगेशन फ्रॉम इंडियन सुपर लीग. बट आई थिंक एक ऐसा भी था ना कि इस बार एक फ्रेंचाइजी फी देके कोई तो जाने वाला है. आपको दो एक आईएसएल टीम दी और एक इंटरनेशनल टीम दी टू मेक योर क्लब फेस देम जस्ट फॉर फन, मतलब तो आप कौन सी टीम चूज करोगे और व्हाई? आई थिंक अभी आईएसएल क्लब फॉर राइट नाउ. नहीं नहीं वैसे नहीं सर, ज्यादा कंसंट्रेशन. आपको एक आईएसएल क्लब चूज करना है और एक इंटरनेशनल क्लब, तो आप कौन से करोगे? ओके, आईएसएल क्लब आई थिंक आई लाइक केरला ब्लास्टर्स. केरला ब्लास्टर्स बिकॉज ऑफ द फैन फॉलोइंग, क्योंकि उनके सामने अगर खेलना होगा तो डेफिनेटली इट विल बी अ फन. वो तो है सर, क्या पैशन है उनका. एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनल माय ऑल टाइम फेवरेट इज ब्राजील. ब्राजील, वाह वाह वाह.
वो लोग तो रेनबोज रेनबोज एकदम जो ब्यूटीफुल गेम वो लोग दिखाते हैं भाई, द गेम या इज ब्यूटीफुल. और दूसरा मतलब डू यू फील अ सर्टन प्रेशर व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग राजस्थान? क्या आपको ऐसा लगता है कुछ प्रेशर होगा ऐसा कुछ? या ऑनेस्टली इट्स अ ह्यूज प्रेशर, बिकॉज लाइक गेम डे के दिन हम जाते हैं तो मतलब उससे एक दिन पहले नींद भी नहीं आता है. मतलब पर्सनली मेरे साथ तो होता है कि मेरे को नींद नहीं आता है, मैं उस दिन खाना भी नहीं खाता हूँ. मतलब अलग ही जोन में होते हैं उस दिन तो, बिकॉज मैनी थिंग्स आर गोइंग इन द हेड, हाँ इफ बट्स वॉट वाई, सो इट्स लाइक मिक्स फीलिंग. हाँ और फिर गेम खत्म होने के बाद इट मस्ट बी फुल रिलीफ और एकदम काम फील होता होगा. मतलब मैं काफी जिंक्स में बिलीव करता हूँ, एक ही टी शर्ट पहनना, एक ही ट्राउजर पहनना, एक ही शूज पहनना, हाँ तो मतलब वो सब चलता रहता है. या बट सर अभी ऑल्सो मुझे पूछना था कि क्या आपका कोई सर अभी तक टैक्टिकल फिलोसफी या आइडिया बनाएगा क्लब के बारे में? टेक्टिकल मतलब फिलोसफी लाइक नाउ वी हैव अ स्पेनिश कोच इन द टीम, सो हम उससे एक एक ही चीज बोलते हैं, और लाइक ही इज ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड विथ मी, सो वेन एवर वी सिट टुगेदर एंड डिस्कस, तो यही मेजर फिलोसफी यही होता है कि क्या कहते हैं, अपने को एक अच्छा गेम खेलना है एंड पोजेशन गेम खेलना है एंड स्पैनिश स्कोर मोर एंड मोर गोल्स. लोग तो पोजीशन में बिलीव करते हैं. या और एंड लाइक एक फिलोसफी ये भी है हमारा कि क्या कहते हैं, लाइक जो हमारे प्लेयर्स हैं, जैसे हमारे पास अभी ऑल यू नो लाइक इन एवरी टीम देयर इज 25-30 प्लेयर्स, सो हमारा ये है कि हमको स्क्वाड को रोटेट करके खेलना है, बिकॉज लाइक आई थिंक 10-15 प्लेयर्स आर डेब्यूटेंट्स इन द आई लीग इन आर स्क्वाड. वाओ वाओ हाँ क्या 10 to 15 है डेब्यूटेंट्स? वाओ दैट्स ऑसम यार. सो बेसिकली मतलब एज अ स्क्वाड अगर वो स्ट्रांग होंगे तो एक प्लेयर भी इंजर हो गया या टेक आउट हो गया तो सिस्टम को कुछ या खराबी नहीं डेफिनेटली दैट इज द होगी आइडिया. या यार. दैट इज द आइडिया. मतलब मैन सिटी पता है आपको, मैन सिटी का भी ऐसा ही है थोड़ा कि चाहे एक निकाल दो फिर भी दूसरा आ जाएगा. क्या बस बस हमारी टीम में भी काफी प्लेयर्स ऐसे हैं जो क्या कहते हैं लाइक दे कैन प्ले ऑन द मल्टीपल पोजीशंस. हमने प्लेयर्स को स्काउट ही उसी बेसिस पे किया है कि अगर ठीक है, अगर राइट बैक नहीं है तो लेफ्ट बैक खेल सकता है, अगर राइट बैक लेफ्ट बैक भी प्लेयर सूट नहीं कर रहा तो सेंटर मिड भी खेल सकता है. मतलब इस टाइप के प्लेयर्स भी हैं हमारी टीम में. फ्लेक्सिबल है मतलब. हाँ या हाँ दे आर वेरी फ्लेक्सिबल. ऑल्सो सर क्या बता सकते हो अपने साइनिंग्स को कैसे यूज करने वाले? मतलब अभी आई थिंक माउरो दोस सांटोस और उमार रामोस का तो मैंने मतलब आई थिंक बोथ प्लेड इन लेगानेस ओनली या हेताफे. लेगानेस ना आई थिंक या इन ला या लीगा सॉरी. लेगानेज एंड इन लेगानेज एंड माउरो प्लेज इन प्लेड इन आइबरा एज वेल. एबार ऐसे सो मतलब या एक्सेलेंट टीम्स. और आई फील स्पैनिश जो लीग है ना उनका काफी हद तक फिजिकली एटलीस्ट पूरे इंडिया जैसा ही है. मतलब देयर ऑल्सो प्लेयर्स आर शॉर्ट और टेक्निकली देयर बिल्कुल वेरी बिल्कुल गुड. बिल्कुल. एंड सो आई थिंक यू कैन सी लाइक वी केप्ट 4 क्लीन शीट इन अ रो यार इन द डिफेंस, एंड माउरो इज आवर बैकबोन. हो गया अर्जेंटीनियन वो ग्रिट है उसके पास ना. क्या यस सर. सो आखिरी मेरे पास दो ही सवाल बचे अभी कि क्या आपकी मतलब या डिड यू डू एनी मिस्टेक्स व्हाइल ओपनिंग द क्लब? इफ यस कैन यू टेल देम? और दूसरा एक कोई मैसेज होगा आपके पास टू टेल ऑल आवर फैंस या पीपल हु वांट टू ट्राई आउट समथिंग न्यू इन फुटबॉल? बस नो आई थिंक ओपनिंग अ क्लब देखो सबका क्या कहते हैं लाइक वी आर फोकसिंग बेसिकली ऑन राजस्थान, तो जो भी अगर कोई मतलब हमारी तरह है, जो भी नॉर्मल है, तो वो भी क्लब खोल सकता है. और इंडिया में एक प्रोसीजर है एंड लाइक रेलिगेशन प्रमोशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कि मतलब वाह आप एक छोटे से यार क्लब से लेकर इंडियन सुपर लीग तक भी जा सकते हो. बट एक हाँ चीज है कि जो AIFF को करना पड़ेगा कि क्लब्स को सपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट्स को एंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टिल वी हैव नो कॉर्पोरेट एंड एनी बैकिंग. सो लाइक हम अपना जेब से अभी तक चला रहे हैं, और छोटा मोटा जो स्पॉन्सर है और फ्रेंड्स का सपोर्ट है, हमारे जो रिलेटिव्स का सपोर्ट है, उसकी वजह से अभी तक चल रहा है. बट डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट सपोर्ट एज वेल, सर बिकॉज फैंस विदाउट आएंगे तो वो कॉर्पोरेट होगा ना सपोर्ट एंड अगर कोई जर्सीज या खरीदेगा डेफिनेटली ये खरीदेगा. सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया. या और आप क्या प्लीज कंटिन्यू सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. या सो बेसिकली ये है कि कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा और AIFF की तरफ से भी एंगेज करना पड़ेगा, और मल्टीपल लीग्स को इनकरेज करना पड़ेगा. लाइव आजकल लाइव काफी बढ़ गया है, तो उससे प्लेयर्स को भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया है, वो अपना वीडियो शेयर कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स में. तो काफी चीजें मतलब इम्प्रूव हो रही हैं, बट और इम्प्रूवमेंट का नीड है ऑन अ फाइनेंशियल टर्म्स.
बट डू यू फील इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ नाउ, ऐसा लग रहा है आपको? या बट अभी तक तो लग रहा है, एंड क्या कहते हैं, डेफिनेटली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर आवर स्टेट एज वेल, बिकॉज अभी स्टार्ट है हमारा ये सेकंड ईयर है, अभी तक हमको इतना टाइम भी नहीं मिला कि हम कुछ कर पाते, बट हमें को हमारे को ग्रास रूट पे वर्क करना है, बिकॉज राजस्थान में काफी प्लेयर्स हैं जो काफी टैलेंटेड है और जिनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला वो प्रोफेशनल सेटअप में रहने का, सो उस पर हमारा पूरा फोकस है। इवन यू कैन सी लाइक देयर इज अ 17 ईयर ओल्ड प्लेयर इन आवर स्क्वाड, ग्यामर निकोम, सो ही इज फ्रॉम अरुणाचल एंड ही इज द सेकंड प्लेयर आफ्टर गुमपेरी में हु प्लेड मोर देन 2 मैचेस इन आई लीग। वाओ, 17 ईयर ओल्ड, ही इज आवर एकेडमी प्रोडक्ट। Yeah, 17 years old. He's an academy product. He's so you're man of the match in the last match against Sachin. Wow. But you scouted in Arunachal, you mean? मतलब ने camp set up किए? Yeah. Wow. No. He sent us his video like I played here and here in the first year. So we like him, like his touches are very good. He's very clinical. So we just called him to the residential academy at that time. Wow. So he just trained, he is training in the academy and at that time we got for the second division, he is in second division with us, he is in pre-season with us, now he is in I-League with us. I-League with you, yeah. और आपको क्या लगता है I-League की broadcasting improve हो सकती है क्या? क्योंकि broadcasting का point yeah, definitely, ISL का beautiful है, marketing में बता रहा हूँ, बहुत noise होता है ISL का, but I-League का I don't hear a lot of noise. बिल्कुल. No, I-League अभी तो देखो वॉइस ही नहीं है, मतलब लाइक की क्या कहते हैं स्पेक्टेटर्स ही नहीं आ रहे, बट I-League की क्वालिटी और क्या कहते हैं ISL की क्वालिटी में देखोगे तो जमीन आसमान का फर्क है, और आई थिंक सारा फर्क जो पड़ रहा है लोगों पे भी, क्योंकि I-League कौन देखना चाहता है यार वो इतनी बेकार क्वालिटी में, ठीक है, और ISL के जो कैमराज है और जो ब्रॉडकास्ट है स्टार स्पोर्ट्स पे हो रहा है, स्टार स्पोर्ट्स तो उसका बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस पड़ रहा है, बिकॉज स्पॉन्सर्स भी उसकी वजह से ही नहीं आ पा रहे, बिकॉज वन स्पोर्ट्स कोई नहीं देखता। अब आप देखो ना यार क्या कहते हैं, मतलब किसी ने कोई ट्वीट किया हुआ था कि 130 मिलियन का जो देश है, 130 मिलियन का जो देश है उसमें 130 लोग I-League का मैच देख रहे थे जिस दिन ISL का मैच था, 730 सिर्फ, और जो कि नेशनल लीग है इंडिया की। हाँ बहुत सारे हैं, तो ऐसे फुटबॉल नहीं बढ़ पाएगा और उसके लिए AIFF को कुछ करना पड़ेगा। मुझे वही लग रहा है कि एक तो AIFF ने घाई घाई में इतना मतलब haphazardly बना दिया ना सब कुछ, जैसे I-League पहले फर्स्ट था, फिर अचानक ISL को ये लोग ने कप जैसे बना दिया, फिर ISL को डाल दिया, और वो बहुत मतलब घिचमिच हो गया ISL। बिल्कुल। सो उसी की वजह से हुआ। सो सर एनी लास्ट वर्ड? बिल्कुल उसकी वजह से हो रहा है सारा चीज। हाँ सो एनी लास्ट वर्ड? आई थिंक कुछ एज अ मैसेज, आई थिंक मेरा इंस्पिरेशनल मैसेज तो यही है कि क्या कहते हैं काफी बड़ी चीजें आने वाली हैं, और हमारा बात भी चल रहा है ऑलरेडी, फॉरेन टाइप्स भी होने वाले हैं, और एकेडमी के अंदर लाइक वी आर इन टच विद मेनी कॉर्पोरेट्स एज वेल, सो डेफिनेटली वी विल प्रोड्यूस 4 to 5 प्लेयर्स इन द अपकमिंग 2 years फॉर इंडिया। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ सर, एंड वी आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट। या सर, एंड डेफिनेटली इन अपकमिंग 2 to 3 years देयर विल बी अ प्लेयर फ्रॉम राजस्थान इन द इंडियन नेशनल टीम्स, दैट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। That's your next step, okay? Yeah. So, sir had a great fun interviewing you. बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला. So, me too. Yeah. Thank you. Thank you so much, Omkar.